गांधी जी तो नेता ही थे, वो तो नेताओं के नेता थे, तो इसीलिए यह कहना कि गांधीगिरी, अगर गांधीगिरी कर रहा था इसका मतलब मैं नेतागिरी ही कर रहा था, चूंकि नेतागिरी तो गांधी जी से एक प्रकार से मैं समझूं कि पूरे देश में कांग्रेस को जमीन पर लाने का काम तो महात्मा गांधी ने ही किया था। सर, लाइन ऑर्डर की बात करते हैं, लगातार कहा जाता है कि बहुत बेहतरीन है, अमिताभ ठाकुर भी लाइन ऑर्डर के उसमें रहे हैं, तो क्या लगता है क्या परिवर्तन होगा? देखिए, लॉ ऑर्डर में मेरा यह मानना है कि जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है वह दो तीन हुए हैं। पहला परिवर्तन तो ये हुआ है कि अब शिकायत करना मना है, क्योंकि अब सिर्फ शिकायत करने वालों के खिलाफ, पत्रकारों के खिलाफ, एक्टिविस्टों के खिलाफ और एकेडमिशियंस के खिलाफ ही कार्रवाई होनी है। आप भ्रष्टाचार कर लीजिए, शासन तंत्र के अंदर रह के आप सुरक्षित हैं, लेकिन आप एक छोटा सा ट्वीट कर दीजिए तो, और अगर उस ट्वीट में अगर किसी सत्ताधारी पार्टी के नेता का नाम हो, बड़े लोगों की बात छोड़ दीजिए, स्थानीय सांसद विधायक तक का नाम हो, तो आप रात में जेल में होंगे। तो एक तो यह है कि अब स्पष्ट हो गया है कि बोलना मना है, नंबर एक। नंबर टू, केवल और केवल सेलेक्टिव ढंग से कार्रवाई होनी है। एक ही व्यक्ति, जैसे अगर इस बात के को देखा जा सकता है, एक ही व्यक्ति अगर वो विपक्ष में है उसके साथ आप कार्रवाइयाँ देख लीजिए, वह सत्ता पक्ष में आ जाए उसके साथ कार्रवाइयाँ देख लीजिए, जमीन आसमान का अंतर हो जाता है, यानी टारगेटेड एक्शंस हैं। तीसरा, पुलिस बहुत सक्रिय है, लेकिन वह ट्विटर पर सक्रिय है, वह ट्विटर पर तुरंत कार्रवाई कर दे रही है, मौके पर आदमी बिलखता घूम रहा है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आपके ऊपर भी तमाम मुकदमे हैं, बलात्कार तक के मुकदमे हैं, तो मतलब सत्ता पक्ष के खिलाफ जो भी बोलेगा उस पर मुकदमा हो जाएगा? मुझे अगर आप कह रहे हैं, मेरा कहना, मैं कह रहा हूँ पूरा प्रदेश चीख चीख के ये बात कह रहा है, मैं कोई अपवाद नहीं हूँ, मैं तो एक बहुत छोटा सा नमूना हूँ, और यह किस्मत है, कम से कम मैं कुछ दिन के लिए ही सही, कम से कम बाहर तो आया। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कभी बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं, और उनमें हर एक कोई भाई कुछ तो नून माफिया थे, लेकिन तमाम लोग इस दौरान माफिया बन गए हैं, माफिया बना दिए गए हैं, लेबल लगा दिया गया है माफिया, जिसको लगा दिया वो माफिया है। इतना ही नहीं, अब एक नया कंसेप्ट हमने सुना है, जैसे पहले हाफ फ्राई और फुल फ्राई अंडे हुआ करते थे, अब हाफ एनकाउंटर फुल एनकाउंटर होते हैं। हाफ एनकाउंटर मतलब पाँव में गोली लगेगी, 21 ही बैठ रहे हैं, 19 नहीं बैठ रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार जो आप दावा कर रही है, आप बताए कि फेक इनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन अभी 2.0 में सबसे ज़्यादा इनकाउंटर हुए हैं, तो क्या कहना सरकार को कानून व्यवस्था को? देखिए, अब इतना ही कहना है कि कई बार मुझे यह भय लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कहीं जो है मतलब हाफ या फुल इनकाउंटर का शिकार ना हो जाऊँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।